तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है टेक्निकल डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन। यानी टेक्निकल डेफिनेशन क्या होता है और डिस्क्रिप्शन क्या होता है, इसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। ये भी आपके इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको, ओके। और सबसे पहला यहाँ पे टॉपिक कह रहा है, पहला पॉइंट इसमें कह रहा है कि अ टेक्निकल डिस्क्रिप्शन इज टेक्स्ट दैट डिस्क्राइब्स एन ऑब्जेक्ट और प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ इट्स फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, पार्ट्स एंड डिटेल्स। यानी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जैसे कोई भी टॉपिक आपका हो गया, ओके। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई प्रिंसिपल हो गया, उस प्रिंसिपल के बारे में कोई सिद्धांत हो गया, उस सिद्धांत के बारे में आपको छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। यानी उसका मेन टर्म क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कहाँ कहाँ उसका यूज हो रहा है, ये सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम सारी चीजों को समझेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि अ टेक्निकल डिस्क्रिप्शन कैन बी यूज्ड अलोन, दैट मीन्स एग्जाम्पल है कि अ स्पेसिफिकेशन एज और अ पार्ट ऑफ अ लार्ज डॉक्यूमेंट, जैसे आपका प्रपोजल, ओके। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि ऑफन टेक्निकल डॉक्यूमेंट कंटेंट्स द सेवरल टेक्निकल डिस्क्रिप्शन। यानी आपका क्या है, जो आपका टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है वो कंटेंट करता है सेवरल टेक्निकल डिस्क्रिप्शन को। और यहाँ पे ओवरव्यू की हम बात करें कि टेक्निकल डिस्क्रिप्शन किस तरीके से यूज होता है, तो यहाँ पे कह रहा है कि टेक्निकल प्रोफेशनल्स आर ऑफन रिक्वायर्ड टू डिफाइन और डिस्क्राइब द टेक्निकल ऑब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट और प्रोसेस टू समवन हु हैज लिटिल नॉलेज और एक्सपीरियंस विथ इट। यानी जो अभी आपका जो टेक्निकल प्रोफेशनल्स होता है वो क्या करता है, रिक्वायर करता है डिफाइन करने के लिए और डिस्क्राइब करने के लिए टेक्निकल ऑब्जेक्ट को, कंसेप्ट को और प्रोसेस को, जिसके पास लिटिल नॉलेज होता है और लिटिल एक्सपीरियंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन इंजीनियरिंग फर्म मस्ट राइट अ प्रपोजल टू बिड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट टू डेवलप अ हेलीकॉप्टर फॉर द डिफेंस डिपार्टमेंट। जैसे मान लीजिए कोई भी हेलीकॉप्टर को डिजाइन करना है इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर, तो डिफेंस डिपार्टमेंट के लिए, तो वन सेक्शन ऑफ द प्रपोजल वुड बी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट द कंपनी प्रोसेस टू डेवलप। यानी आपको क्या करना होगा, एक प्रपोजल को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन के तौर पर देना पड़ेगा कंपनी को, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके रिगार्डिंग। एंड टेक्निकल डिस्क्रिप्शंस आर यूज्ड बिफोर प्रोडक्ट, यानी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन क्या होंगे, यूज होंगे प्रोडक्ट के पहले, क्योंकि टेक्निकल डेफिनेशंस बहुत ज्यादा जरूरी होती है, कौन कौन से उसमें टेक्निकल यूज होंगे, कौन कौन से टेक्निकल चीजें वहां पे यूज होंगी। एंड प्रोसेसेस आर डेवलप्ड, जैसे अ पार्ट ऑफ अ प्रपोजल एंड प्लानिंग डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट इन द प्रोग्रेस रिपोर्ट फॉर इंस्टेंस, एंड afterward as part of marketing and promotionals literature and the technical support document। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। डायरेक्टली एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगी कि टेक्निकल डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन किस तरीके से यूज होता है। यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन एंड व्हाई इट इज यूज फॉर टेक्निकल राइटिंग, यानी डिस्क्रिप्शन क्या होता है और इसको हम टेक्निकल राइटिंग में क्यों यूज करते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि टेक्निकल राइटर प्रिपेयर इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स, जनरल आर्टिकल्स एंड अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टू कम्युनिकेट कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मोर इजली। यानी जो टेक्निकल राइटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी उनके आर्टिकल्स होते हैं, जो भी उनके इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या कर सकते हैं, उनको अच्छी तरीके से सजा सकते हैं, ओके। एंड दे कीप दे ऑल्सो डेवलप गैदर एंड डिमिनिस्ट्रेट टेक्निकल इन्फॉर्मेशन अमॉन्ग द कस्टमर, डिजाइनर एंड द मैन्युफैक्चरर्स, ओके। और कुछ पॉइंट्स ऐसी के अंदर क्वेश्चन यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है कि राइट द टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लेथ मशीन। या जैसे मान लीजिए कि आपके एग्जामिनेशन में लेथ मशीन आ गया, ये मैकेनिकल पार्ट है, लेकिन एग्जांपल के अकॉर्डिंग यहाँ पे समझाने के लिए मुझे देना पड़ रहा है कि टेक्निकल डेफिनेशन आपको लिखना है कि लेथ मशीन का। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेथ मशीन के बारे में लिखेंगे, उसका प्रिंसिपल लिखेंगे, उसके डायग्राम को आप बनाएंगे, देन उसका वर्किंग लिखेंगे। तो ये सारे क्या होंगे, आपके स्टेप्स होंगे जो कि फॉलो होंगे, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले आप किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन होगा लेथ मशीन के बारे में। हालांकि मैं लेथ मशीन नहीं समझाऊंगा, मैं बस आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, आप अगर चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ताकि आपका मैकेनिकल का भी अगर पेपर होगा तो ये भी तैयार होगा आपका। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख देना है, आपने लिख दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, मूव करना है पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन पे। यानी लेथ मशीन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं वहाँ पे आपका बेड होता है, टूल पार्ट होता है, चक होता है, हेड चक होता है, टेल चक होता है, टेल स्टॉक होता है सॉरी, और लेड स्क्रू होता है, लेग्स होता है, और बहुत सारी चीजें होती हैं। देन उसके बाद इसी के अंदर डायग्राम आता है, आप चाहें तो इसे पहले बना सकते हैं, क्योंकि डायग्राम अगर पहले रहेगा तभी आप पार्ट्स के बारे में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हेड स्टॉक है, प्रूफ है, यहाँ पे है, यहाँ पे क्रॉस स्लाइड है, फीड रोड है, यहाँ पे बेड है आपका, सैडल है,
और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस डायग्राम के अंदर है। तो आप स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से टेक्निकल डेफिनेशन को अगर लिखेंगे तो टेक्निकल डेफिनेशन किसी भी क्वेश्चन का आप इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद इसी के अंदर आप क्या करेंगे, लेथ मशीन के वर्किंग को लिखेंगे, जो कि लेथ मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में लिखेंगे, वर्किंग बताएंगे कि ब्लेड किस तरीके से वर्क करता है, साथ ही साथ लेग का क्या काम होता है, हेड स्ट्रोक क्या करता है, गियर ब्रेक बॉक्स क्या करता है, कैरिज क्या करते हैं, और साथ ही साथ आपका सेडल क्या होता है, क्रॉस सेडल क्या होता है, कंपोनेंट टेस्ट क्या होता है, कंपाउंड टेस्ट रेस्ट क्या होता है, और जो आपका टूल पोस्ट होता है वो क्या होता है, एप्रॉन क्या होते हैं, और लास्ट में आपका टेलर स्ट्रोक के बारे में आपको लिखना होगा। तो ये हमारा क्या रहा, पूरा टेक्निकल डिफिनेशन रहा, पूरा टेक्निकल डिफिनेशन था किस तरीके से आप किसी क्वेश्चन के टेक्निकल डिफिनेशन को देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा, मिलते हैं। थैंक यू।